गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी दिवाली टू यू। सेम टू यू सर। वी जस्ट वेट फॉर अ मिनट और सो एंड देन वी विल स्टार्ट। अब है, कीप योर वीडियो ऑन। अब है, कीप योर वीडियो ऑन। गुड मॉर्निंग कार्तिक, कीप योर वीडियो ऑन। सर एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ हाँ ठीक है। अभय चौधरी, अभय अपना वीडियो ऑन कीजिए। दृशांत वीडियो ऑन कीजिए। सब लोग ओके ग्रेट। सो सी, अब आपका कोर्स खत्म हो गया है पूरा। वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर कोर्स। ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बीन रेगुलर इन द क्लास, बट अ लॉट ऑफ देम हैव नॉट बीन, सो दैट्स अ कंसर्न। लेकिन अब आपको पता ही है कि आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। वी आर लेफ्ट विद जस्ट रफली अराउंड 10 days। ओके, and we have 7 to 8 maths classes with me during this time, and maybe roughly the same number with NC Sharma sir also. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि we will do quick revision and we will focus on the type of questions that appear in the board exam. ठीक है, तो अभी तक हमने जो है एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखा था, जो फंडामेंटल्स बिल्ड करने में और कवरेज के लिए हमारे लिए हेल्पफुल थे। और अब हम जो है बोर्ड के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। वी विल फोकस ऑन द प्रीवियस 4 to 5 years ऑफ पेपर्स, बट नॉट द इमीडिएट प्रीवियस 19 or 20 के पेपर को अभी नहीं करेंगे, बिकॉज आई वुड सजेस्ट कि कीप दोस पेपर असाइड एज अ फुल टेस्ट। यू शुड डू दिस एज अ फुल टेस्ट एंड टू एंड, वो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस दे देगा। लेकिन अभी जो है हम उससे पहले के यानी कि 15 टू 18 के जो क्वेश्चन हैं उन पे फोकस करेंगे, बट चैप्टर वाइज। वी विल नॉट डू इट एज अ फुल पेपर, ताकि हम कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस कर सकें। ठीक है, एंड वॉट आई एम प्लानिंग इज, बिकॉज आई हैव ओनली 7 to 8 क्लासेस टिल द प्री बोर्ड, मैं जो है सबसे पहले, आप क्या देखिए, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, रफली 50% ऑफ योर पेपर कम्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कैलकुलस। ठीक है ना, तो कैलकुलस में आपके 5 chapters होते हैं, 2 differentiation से रिलेटेड, 2 integration से, जो इंटीग्रेशन वाले काफी बड़े चैप्टर्स हैं, और उसके बाद जो है एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें दोनों ही यूज होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो ये 5 हैं, तो द प्लान आई हैव इज दैट वी विल फोकस ऑन दीज 5 chapters ओवर दिस वीक। ठीक है, और नेक्स्ट वीक जो है आई विल ट्राई टू डू क्विक रिवीजन ऑफ टॉपिक्स लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एंड आल्सो प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो नाउ दैट विल ओनली लीव अस विद द 4 chapters व्हिच आर द फर्स्ट 4 chapters, which is the, you know, relations, functions, inverse trigonometry, as well as the matrices and determinants. Aur ye jo chapters hain hamare, ye whatever I saw in the exams also last, aap log kafi isme comfortable hain, right? Usme koi aise mujhe laga nahi ki concepts the jo logo ko samajh nahi aa rahe the, inverse nikalne ke humne question diye the, एटसेट, वो सब स्क्यू मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे,
वो लोगों ने कई तरीके से क्वेश्चंस को उनको अच्छे से सॉल्व किया था और ज्यादातर के वो ठीक थे. सो आई एम नॉट टू मच वरीड अबाउट दोज फोर चैप्टर्स. सो आई डोंट इंटेंड टू डू इट बिफोर प्री बोर्ड. आफ्टर प्री बोर्ड एनी वे वी विल डू अ रिविजन ऑफ द एंटायर थिंग वंस मोर. ठीक है, तो दिस इज द प्लान. प्लीज इंश्योर यू अटेंड दीज क्लासेस. दीज विल बी हेल्पफुल. The second thing is try to do these questions as we do it in the class. ठीक है ना, उससे क्या है आपको practice मिलेगी ये करने की और आपका time बहुत बचेगा. वरना क्या है आप सुन लेंगे फिर उसके बाद खुद बैठ के करेंगे तो double time जाएगा. And now time is precious. आपको सब subjects की preparation करनी है तो it's useful कि sit with a paper and a pen and try to do the questions together. ठीक है, तो चलिए वी विल गेट स्टार्टेड. टुडे वी विल डू द डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट 10 इनवर्स ऑफ अ 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करेंगे, एनी आइडियाज? तो चेन रूल से. ओके, सो आप इसको चेन रूल से करना बिल्कुल डेफिनेटली उस तरह से ट्राई कर सकते हैं. यू विल फाइंड दैट इट कैन बिकम अ फेयरली लॉन्ग वर्किंग. ठीक है ना, चेन रूल अप्लाई की जा सकती है मगर आप खुद सोचिए कि आप 10 इनवर्स का जो है अगर आप एक बार डिफरेंशियल करेंगे. सॉरी, इसमें हाफ एंगल थ्योरम लगा देंगे. हाँ, तो वेरी गुड. तो हमको इसमें पहले क्या करना चाहिए, देखिए हमें इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्या हिंट मिल रहा है कि 10 इनवर्स बाहर है और अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉज और साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं. राइट, सो इट गिव्स अस अ लिटिल बिट ऑफ हिंट की हो सकता है जो अंदर ये वाली चीज है ये किसी एंगल का टेन बनाया जा सके. और अगर ऐसा हो जाएगा तो टेन इनवर्स ऑफ अ टेन इज वी विल गेट द एंगल विच इज इनसाइड एंड देन वी ओनली हैव टू डिफरेंशिएट दैट एंगल. ओके, विच विल बी अ लॉट इजी. सो हम वो कोशिश करेंगे. लेट्स ट्राई टू डू दैट. सो पहले कंसिडर साइन स्क्वायर एक्स बाय टू लिख लेंगे. हाँ, ओके, सो कंसिडर this part only first, cos x by sin x. okay, ये ऊपर वाले का क्या बन गया, ये बन जाएगा हमारा 2 cos square x by 2 x upon 2. right, similarly ये बन जाएगा 2 sin sin x upon 2 into cos x upon 2. ठीक है ना, तो half angle theorem as you said we have applied that. now we can cancel this, we can obviously cancel 2 and 2. So we are left with cot x by 2. ठीक है, अब जो cot x by 2 है उसको हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं. हमें 10 चाहिए. 90 माइनस थीटा. वेरी गुड. ठीक है, लेकिन हम 90 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखना प्रिफर करेंगे? पाई बाई टू. पाई बाई टू, वेरी गुड. ओके, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 हो गया. तो अब हमें 10 मिल गया. तो नाउ वी कम टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन व्हिच इज 10 इनवर्स ऑफ, और इसके अंदर मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, ये लिखना चाहिए हमें लेकिन मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूं. ठीक है, तो अब ये हमारे पास केवल बच गया y इज ओनली दिस. Now dy by dx becomes very simple. It is minus half only. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन बिफोर डिफरेंशिएशन इज वेरी हेल्पफुल. ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Give me a minute. Okay.
So how will we do this question? क्या अप्रोच यूज करेंगे? देखिए इसमें हमें कोई भी इजी सिंप्लीफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? ना कोई इजी सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वी विल हैव टू डू इट द लॉन्ग वे. ओके, तो हम दोनों साइड को डी एक्स से, मतलब वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स. तो हम पहले को कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, चेन रूल लगा लेंगे और अंदर क्या आएगा, 2x plus 2y but dy by dx. तो ये हमारा आ गया. और इधर हम कौन सा रूल लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला लगाएंगे, तो क्या आएगा, x dy by dx plus y. ठीक है, अब ये हमें आ गया. अब देखिए ये बहुत ही क्लियर सी बात है कि अब हमको इसमें से ये जो dy by dx है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इनको आइसोलेट करना है बस, और वो आइसोलेटेबल है, राइट? तो अब हम इसको कर लेते हैं, इसमें से भी 2 कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो 4 बाहर आ गया हमें, और ये आ गया हमें एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस y square x plus y cube dy by dx is equal to x dy by dx plus y. Okay, now we just have to isolate it and we will get 4x cube plus 4y square x minus y is equal to x minus 4 y x square minus y cube or 4y cube, right, into dy by dx. ठीक है ना? तो मैंने dy by dx के टर्म्स को एक साइड ले आया हूं. नाउ वी हैव आवर आंसर. ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये लॉन्ग मेथड से ही होगा क्वेश्चन. How will we do this now? So ये कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है डिफरेंशिएशन का? स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कीजिए. आप लोग बंद क्यों कर लेते हैं, पता ही नहीं चल रहा आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. अभय चौधरी कैमरा ऑन कीजिए. जयेंद्र स्विच ऑन योर कैमरास. अभय ग्रिशांत जनेंद्र आप और संदीप आपका नहीं है अभी भी ऑन. जनेंद्र एंड संदीप प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. तब तक आप बताइए ये कौन सी तरह का क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म. ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म है. हमें x थीटा के टर्म में दिया गया है और y भी थीटा के टर्म में दिया गया है और dy by dx निकालना है. तो हम कैसे निकालते हैं,
एक्स को भी थीटा से डिफरेंशिएट करते हैं, वाई को भी डिफरेंशिएट करते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, तो वो हम कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी ये y है तो a तो कॉमन है ही, वन का हमें आ गया जीरो, और cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। हाँ, और माइनस पहले से बाहर है राइट, तो माइनस yes, चला जाएगा, तो 2 sin 2 थीटा, वेरी गुड, ओके। और डी एक्स बाई डी थीटा कर लेते हैं अब हम, उसका हमारा 2 minus 2 cos 2 थीटा, ठीक है ना, 2 cos 2 थीटा, जिसमें जो है हम इसमें 2 बाहर ले लेते हैं, 2a 1 minus cos 2 थीटा, ठीक है। तो अब हमारा dy by dx आ गया है हमारे पास, एक्चुअली ये 2a sin 2 theta by 2a 1 minus cos 2 theta, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली एक तरह से हमारा आंसर आ चुका है, हम चाहें तो इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसमें वैल्यूज डाल के कर लें, या हम हमें दिख रहा है कि ये सिंप्लीफाइबल है बहुत इजीली, राइट, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू डालेंगे ताकि गलती का चांस कम हो जाए। 2 sin theta cos theta, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 sin square theta, राइट, 2 कैंसिल हो गया, और ये साइन थीटा इससे चला गया, हमारे पास आ गया cot theta, ठीक है। और थीटा हमें वैल्यू किसके लिए निकालनी है, इसके लिए निकालनी है, तो आंसर dy by dx at theta is equal to pi by 3 is equal to cot of pi by 3. What is cot of pi by 3? It is tan of pi by 6, right? So I tend to only remember the tan value, so I have to use that, okay? But if you remember cot directly, you could use that, right? Understood? आप ये यहाँ पे इस स्टेज पे आके आप डायरेक्ट वैल्यूज डाल के भी करेंगे तो आ तो जाएगा ये आंसर, ओके? ओके, नाउ लेट्स डू a maxima minima question. So how will we do this one? Okay. The volume of a, okay, this is a misprint, cube. The volume of a cube is increasing at the rate of 9 cm³/s. Okay. How fast is its surface area increasing when the length of the edge is 10 cm? Okay. So volume jo hai, wo kya hoga? Volume is x cube. If x is one side, तो इसका मतलब जो dv by dt है, क्योंकि ये with respect to time change हो रहा है, will be by dt of x cube, which will be, हम chain rule लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² dx/dt, और इसकी हमें value दी गई है जो है 9.
So we will get our dx by dt, which is equal to 3 by x square. अब सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6x square. तो ds by dt क्या होगा? Will be 6 dx square by dt, which is 6 into 2x dx by dt. ठीक है, उसमें हम वैल्यू डाल देंगे. ये 12x into dx by dt is 3 by x square. So it is 36 by x. Right? And where do we have to find this? So hum nikal rahe hain ds by dt, where x is equal to 10. So this will become 36 by 10, which is 3.6, and we have to write our unit centimeter cube per second. Okay. So ye rate of change ka question hai. Now this type of question, essentially, agar aap dekhenge is bar, they may not give you this type of question, right? लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? पैरामेट्रिक का ही क्वेश्चन है, तो ये हमें करना आना चाहिए. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? थोड़ा सा भी दोनों साइड सॉल्व होगी. हाँ, किस तरह करेंगे हम? सर लॉग. हाँ, तो हम लॉग डायरेक्टली तो नहीं लॉग लेके. हाँ, वेरी गुड. लेकिन लॉग हम डायरेक्टली तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में एक प्लस है. तो क्या करेंगे हम? नहीं सर, यू मान लो. हाँ सर, एक को यू मान लो. हाँ, एक को भी. हाँ, वेरी गुड. तो इसको मान लीजिए हम यू मान लेते हैं, इसको हम वी मान. तो तब हम ऐसे लिख सकते हैं, u is equal to x by y and x raised to the power y, then log y, u is equal to y log x. Right? Now we can differentiate both sides with respect to x and we will get 1 by u du by dx is equal to, we will use the multiplication rule here, we'll get dy by dx into log x plus 1 by y by x. I can write y by x. Right? Yes, sir. Okay. Similarly, I can, so from this, I can calculate this, right? And u is x. So, okay, let me complete that step here. So, du by dx is equal to u ki jagah hum kya likh denge? X raised to the power y log x dy by dx plus, now here we will get x raised to the power y, lekin niche x hai, to main isko likh dunga x raised to the power my minus 1 into y. राइट, तो ये मुझे मिल गया du by dx. इसी तरह से हम निकालेंगे अपना dv by dx. Okay, which gives us 1 by v dv by dx is equal to log y. Sorry, log y. So log x. Log y. Log y. यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? जब हम पहले इसको डिफरेंशिएट किया, 1 आ गया, ये log y मिला खाली, प्लस 1 by y dy
by dx into x. Okay. Now we from this we can calculate our dv by dx as v is y raised to the power x log y plus y raised to the power x minus 1 x dy by dx. ठीक है, अब हम इसको इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो व्हाट विल वी गेट d ऑफ u बाय dx प्लस d ऑफ v बाय dx इज इक्वल टू जीरो, राइट? एंड वी हैव फाउंड du एंड dv, हमने ये दोनों निकाले हुए यहां लिखना है और dy बाय dx को एलिमिनेट करना है, बस आइसोलेट करना है, नॉट एलिमिनेट, आइसोलेट करना है और उसका आंसर हमारा आ जाए. ठीक है, सो इट्स अ प्रीटी गुड क्वेश्चन, थोड़ा वर्किंग लॉन्ग है मगर डिफिकल्ट नहीं है. इफ यू सेपरेटली टेक दिस एज यू एंड वी देन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट विल टेक यू सम टाइम एंड यू हैव टू डू इट केयरफुली. ठीक है, Okay. सर जयेंद्र ने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है तो आप अभय जयेंद्र निखिल निखिल कुछ प्रॉब्लम है कैमरा ऑन करके रखने में? जयेंद्र बेटा आपका क्यों नहीं हो रहा है ऑन कैमरा? बाकी सबका चलिए बीच में बंद हुआ भी. आई थिंक यू हैव नॉट स्विच्ड इट ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सर रिमूव कर दीजिए आप जयेंद्र को क्योंकि कुछ रिस्पांस नहीं है. जयेंद्र आई एम आस्किंग अगेन बेटा, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू, जो अच्छी बात नहीं है एग्जाम से पहले. जैनेन्द्र वो छोड़ ही गए. ओके ठीक है, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन, बीच में ऑफ मत करिए. ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. Okay, just a second. Okay, let's do this question. So find the equations of tangent and normal to the curve at a point x1 comma y1 where x1 is given and y1 is given to be greater than zero. तो कैसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को हम? नॉर्मल टेंजेंट निकालना सबको आता है. इवन इन द लास्ट एग्जाम एवरीबडी हैड अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट इट राइट. ओके तो यहाँ पे बस एक डिफरेंस है उस क्वेश्चन और इसमें. व्हाट इज दैट बिग डिफरेंस, कैन समबडी टेल मी? यहाँ पे हमें वो पॉइंट दिया नहीं गया है, x1 comma y1 नहीं दिया गया है पूरी तरीके से. केवल हमें कहा गया है कि x1 तो 2 है और y1 greater than 0 है. That is the only difference. Usually we are given the point. तो हम कैसे करेंगे इसको? How will we approach this question? बताइए. What happened? Nobody is able to guess or people are not there? बेटा कैसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को?
इस तरह के क्वेश्चन सबको आते हैं। स्लोप निकालेंगे सर। हाँ तो स्लोप निकालेंगे सर टेंजेंट का। बिल्कुल, स्लोप तो डीवाई बाई डी एक्स होगा नॉर्मल का माइनस dx by dy होगा, राइट? सो वो हम निकाल लेंगे। आई थिंक एवरीबडी नोज हाउ टू डू इट। नाउ द ओनली चैलेंज इज कि पॉइंट क्या है, x1 y1 है, उसकी वैल्यू नहीं डाल सकते। x1 की वैल्यू दे दी है लेकिन y1 की वैल्यू नहीं दी है, एक कंडीशन। तो कैसे करेंगे, y1 कैसे निकालेंगे? ओए निखिल नागर, निखिल म्यूट रखिए बेटा। कैसे निकालेंगे? देखिए आसान पॉइंट है ना, पहले हमें पता है कि x1 y1 इस कर्व पर होना चाहिए फॉर अ टेंजेंट टू गो एंड अ नॉर्मल टू गो थ्रू इट, राइट? तो अगर नॉर्मल और टेंजेंट इससे जा रहे हैं, ये इस कर्व पर है ये पॉइंट, तो x1 comma y1 should satisfy this curve. We know the value of x1, we can find the value of y1. And the condition is given because we can see it's a, it's an ellipse, so it will cut this line at two points, and hence we only have to take the positive value of y. ठीक है, तो हम ये value डाल देते हैं, x is equal to one डाल देते हैं, x is equal to two डालेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, 16 इंटू 4 प्लस 9 वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 145, विच मीन्स 9 वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 145 माइनस 64 विच इज 81 एंड विच मीन्स वाई वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, बट विच वैल्यू वी विल टेक, y1 is equal to 3 क्योंकि y1 जीरो से बड़ा है, y1 is greater because y1 is greater than 0। तो ये हमारे को पॉइंट मिल गया, तो हमारा पॉइंट क्या है, 2, 3। अब इसके बाद तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 32x प्लस 18y dy by dx is equal to 0, which means dy by dx is equal to 16 by 9 minus 16 x by 9, right? ये हमारा dy by dx नहीं आ गया, हमको कौन सी वैल्यू पे निकालना है, ये 2, 3 पे निकालना है। सो वी विल पुट दैट वैल्यू 2 π / 3 - 32 π/20। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 27, राइट? अब इक्वेशन ऑफ द कर्व लिखनी है, तो क्या वाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 32 by 27 एक्स माइनस 2, और ये बनेगी वाई माइनस 3 27 by 32 x minus 2, right? Obviously you have to simplify it more, you can't leave your answer like this, but I'll leave that out, right? ये तो बहुत ही trivial simplification है, आप कर लेंगे। तो main चीज इसमें क्या थी कि हमें पहले अपना point पता करना है। तो इस तरह के questions common है जिसमें आपको point नहीं दिया जाएगा, तो वो पॉइंट आपको पहले निकालना है। इट कुड बी इन वेरियस फॉर्म्स, इट कुड बी लाइक इन दिस फॉर्म जहां पे कोई कंडीशन दे दी है, इट कुड बी इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, फाइंड द टेंजेंट टू दिस कर्व वेयर इट इंटरसेक्ट्स अ लाइन और वेयर इट इंटरसेक्ट्स अनदर कर्व। मतलब जब ऐसी कंडीशन होगी उन सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और उसके बाद तो आपको आना ही होगा। ओके,
Okay, let's move on. So find the intervals in which the given function is strictly increasing and strictly decreasing. How will we do such a question? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? सर पहले सर डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का. हाँ, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, और नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, तो हमें पहले डेरिवेटिव इसका निकालना है, और फिर हमें यह निकालना है कि वो डेरिवेटिव कहां कहां पर जीरो है. ठीक है, और उस सेगमेंट्स में हम उसको डिवाइड कर लेंगे पूरे के पूरी रेंज को, पूरे के पूरे डोमेन को, और उन डोमेन्स में फिर वी विल फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज पॉजिटिव और द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. फर्स्ट वी विल फाइंड द एफ डैश एक्स. So that would be x cube minus 3x square minus 10x plus 24. ठीक है, अब हमें इसको इक्वल टू जीरो लगा के क्रिटिकल पॉइंट निकालने, वो कैसे करेंगे? वी हैव टू फैक्टराइज इट. ओके, बट इट इज अ क्यूबिक फंक्शन, कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे? There is no direct method, right? तो कैसे करते हैं? We will use the factor theorem or the remainder theorem to guess the first factor. ठीक है, तो जैसे हमने one guess किया, मान लीजिए तो one minus three minus ten plus 24, it's not coming to zero. We can guess the factor to be two. So we will get eight. In the rough, we can do 8 minus 3 and 12 minus 20 plus 24, right? 32, 32. हाँ, तो ये zero हो गया. So we get x minus 2 is a factor, right? So we will divide it by x by 2, x minus 2, sorry. Okay. So ये हमें long division करना पड़ेगा. So we will do it by x square, and we will get x cube minus 2x square. Please do along with me. Minus x. So minus x. Minus 8x plus 24. Right. No, it's not dividing. Some mistake I have done. Just a second. Okay, okay. Minus 2x square. So minus x square minus 10x. Now I did it with minus x. Okay. 12x over 9. Just a second. Haan, ye 12 aayega, isliye problem. Minus minus plus. Right? So now I will do with minus 12. Minus 12x plus 24, 0. So now we have to factorize this x square minus x minus 12. So this will be x square minus 4x plus 3x minus 12.
राइट, सो ये हो जाएगा x माइनस फोर एंड x प्लस थ्री. ओके, सो